एक गांव में एक जूस वाला था जिसका नाम विकास था। विकास बहुत सालों से जूस का स्टॉल लगा रहा था। लोग बड़ी संख्या में उसकी जूस पीने आते थे। उस गांव में सिर्फ उसी का जूस का स्टॉल था। लोगों को उसके हाथ की जूस बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। उसे अपने जूस को लेकर बहुत घमंड और अभिमान था। वह हमेशा अपने जूस को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करता। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास आया और उसे अपने थोक फल की डिब्बा लेकर जूस बनवाने की बात की। विकास ने उसकी डिब्बा की ओर तेजी से नज़र डाली और कहा, मेरे पास सिर्फ उच्च गुणवत्ता की फल है, तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। किसान ने उससे धीरे धीरे बातचीत की और उसे अपनी गरीबी का विवरण दिया। किसान ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मुझे कम दाने में जूस देने की कृपा करें। विकास ने उसे ठुकरा दिया और कहा, मेरे यहाँ ऐसे कम कीमत में जूस नहीं मिलेगा। किसान निराश होकर वहाँ से चला गया, लेकिन विकास का अहंकार नहीं थमा। उसने अपने जूस की कीमत बढ़ा दी और लोगों को अधिक दाम में जूस बेचने लगा। उसके पत्नी ने भी कहा कि आप अपने जूस की दाम को मत बढ़ाइए, पर विकास ने कहा, तुम मुझे मत सिखाओ कि जूस कैसे और कितने दाम में बेचना है। मैं इस काम को सालों से करता आ रहा हूँ। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक और जूस वाला आ गया। उसका नाम सोहन था। वह अपनी जूस बहुत कम दाम में बेचता था और वह ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद लोग उसके स्टॉल पर जाने लगे और विकास के स्टॉल पर लोग कम आने लगे। विकास यह सब देखकर दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैं इतने सालों से जूस बेच रहा हूँ, पर मेरी एक गलती की वजह से आज सब उसकी स्टॉल पर जा रहे हैं। उसकी गलती का एहसास हुआ और वह फिर कम दाम में जूस बेचने लगा।